हुसैन मेरी नुसरत करने कबूल करने के लिए तैयार नहीं, हुसैन मेरी मदद नहीं चाहता, माँ तू मेरे साथ चल और जाके हुसैन को उसकी माँ का वास्ता दे। हुसैन अपनी माँ के वास्ते को रद्द नहीं करता है, माँ तू मेरे साथ चल, ये अपनी माँ को लेके यहाँ पे आया है। जब यहाँ पे पहुंचा है रवायत कहते हैं उस वक्त पहुंचा जब मशरिक के घोड़े मगरिब तक चले गए थे, मगरिब के घोड़े मशरिक तक चले गए थे। हुसैन को कत्ल कर दिया गया था, अब आवाजें बुलंद हो रही थी, लूटो लूटो खैमे आले रसूल के, लूटो जिसे जो मिलता है, अब हुसैन का बचाने वाला कोई नहीं रह गया है, जिसे जो मिलेगा वो लेता चला जाए और जो जितना जुल्म करता जाएगा इनाम में इजाफा होता चला जाएगा। मैं कहता हूँ हाँ शायद जाफर ने ये मंजर देख लिया होगा, क्योंकि खैमे जलाने के बाद एक मंजर जो है वो नजर आता वो ये है कि जब इन्होंने शहीदों के सर गिने थे ना तो एक सर इन्हें कम नजर आया, उस सर की तलाश में इन्होंने फौजी दस्ते भेजे थे, शायद जाफर है जिनने वो मंजर देखा हो। और मीर अनीस ने जो इस मंजर को देखा है और मंजर को जो नकल किया है, नकल करने तारीख में वो कहते हैं कि जब आए हैं अशिया दस्तों को लेके हाथ में नेजे, जब आए हैं अशिया दस्ते लेके हाथ में नेजे, तड़प रही थी फिजा कैसे बताऊं रुबाब को। लिहाजा ये वो जगह है जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जाफर अली से गुफ्तगू की। लोग कहते हैं कि आप सहाबा का एहतराम नहीं करते, आप अहले बैत के चाहने वालों का एहतराम नहीं करते, हुसैन के साथ जिसकी गुफ्तगू हुई है हम उस मकाम की ज्यारत करने के लिए आ जाते हैं, सहाबा का उनका मकाम ये ज्यारत करेंगे और इंशाल्लाह हम अपनी वो मंजिल पर बढ़ेंगे। ये मकाम है जाफर जिनका मकाम मोहम्मद वाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मिनट रुकिए, ये हथजड़ियाँ आगे करते हैं। बच्चों हसन हुसैन मेरा बच्चों नमीर तस्वीर ले लिया